नमस्कार, मैं महक और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है हरियाणा के करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के ऑडिटोरियम में फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर फ्रेशर के तहत बिन पानी सब सून विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र कुमार द्वारा अपना वक्तित्व छात्राओं के सामने संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसके बचाव के लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों में से 80% देश जमीन में जल खत्म होने की समस्या से जूझ रहे हैं। सिर्फ 20 देश ही ऐसे हैं जो पानी डिस्चार्ज प्रोजेक्ट पहले ही लगा चुके हैं, और इन देशों की ओर लोग अपना रुझान दिखा रहे हैं और वहाँ जाकर बस भी रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत पश्चिमी देशों से पहले ही जल बचाव के कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है, परंतु हमें जल संरक्षण के बड़े बड़े प्रोजेक्ट और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर जल ही जीवन का संदेश देकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर फ्रेशर कार्यक्रम में अन्य वैज्ञानिक द्वारा भी जल ही जीवन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने जल ही जीवन विषय पर प्रस्तुत संबोधन के माध्यम से जल बचाओ विषय को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। हमारे लिए कुछ चुनौतियां लेकर आई है। जो लोग चुनौतियों से डर जाते हैं वो अपना आराम से जीवन जीते हैं, जो लोग चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं वो कुछ आनंद के साथ अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कर लेते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, भारत की आजादी के वक्त जितनी जमीन पर ड्राउट था उससे 10 गुना ज्यादा जमीन पर 2019 में ड्राउट था। 2019 17 राज्यों के 365 जिलों में ड्राउट था। 2019 करीब करीब 190 जिलों में फ्लड, 8 गुना ज्यादा जमीन पर फ्लड और 10 गुना ज्यादा जमीन पर ड्राउट। दूसरी तरफ जो भारत का असली रिजर्व बैंक है, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, वो मोर देन 72% ओवरड्राफ्ट। तो फिर आपकी डेयरी, आपकी खेती, आपका पशुपालन, ये सब किस तरफ लेके जाएगा? यदि भारत का असली रिजर्व बैंक भूजल का भंडार 72% ओवरड्राफ्ट हो गया हो तो हमारा भविष्य क्या है? कैप टाउन वगैरह वगैरह, उनके सिनेरियो अलग है। मैं अभी थोड़े दिन पहले कैप टाउन में था, उनकी प्रॉब्लम अलग तरह की है और वो प्रॉब्लम्स जरा दुनिया के सामने जल्दी उभर जाती हैं। भारत की जो समस्या है वो जरा ज्यादा गंभीर है पानी के बारे में, लेकिन भारत की एक बड़ी शक्ति है कि इस वक्त मैं दुनिया के 60 देशों को पिछले 5 साल से देख रहा हूं। उन 60 देशों में 40 देश वो हैं जहां से लोग बेपानी होकर उजड़ रहे हैं, और 20 देश वो हैं जहां वो जाकर बस रहे हैं। ये 20 देश कहां के हैं? ये यूरोप के हैं। उनके पास बारिश कितनी है हमसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अंडरग्राउंड एक्वीफर्स को, अपने भूजल के भंडारों को बचा के रखा है। जब बचा के रखा है जबकि उनके पास एक्सप्लोइटेशन की टेक्नोलॉजी हमसे 200 साल पहले आ गई थी। हमारी एक्सप्लोइटेशन की टेक्नोलॉजी मुश्किल से पिछले 40 सालों में आई है, उनके पास एक्सप्लोइटेशन की टेक्नोलॉजी 100 साल से पहले से थी। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।